अव गाड़े होता ते काय ऐकले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। निकलते हैं काम पर, फिर से वही, फिर से लेट। एक्चुअली हो रहा है क्या, ज्यादा भगाऊंगा नहीं वगैरह कुछ भाई। कल का दिन तो छुट्टी का था, वो माइक का सेटअप नहीं चला गया, हो नहीं रहा है माइक का सेटअप यार। अभी भी क्या पता होगा नहीं होगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नॉइज माइक का लिखा है नॉइज रिडक्शन करेगा एक्टिव, बट कुछ नहीं यार। जैसे यार साधा मोबाइल रिकॉर्ड करता है वैसे ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी फिर से थोड़ा सा चेंजेस किया है, डेड कैड वगैरह लगाया है मंगा कर, तो अभी का कुछ पता नहीं है कैसा आएगा वीडियो। तो चलिए फिर से देखते वही रूट, कभी कभार अलग रूट लूंगा, बट अभी तो स्टार्टिंग है। प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है भाई कि मोबाइल काफी व्यू ब्लॉक करता है यार। आप लोग ब्लॉगिंग कैसा करते हो? फिर भी ऑलमोस्ट मैंने चेंजेस किया है काफी इस एंगल व्यू में भाई। एंगल कैसा आ रहा है वो जरूर बताइए मुझे पहले, सबसे पहले तो। आपने पिछले व्लॉग में देखा कि पिछले व्लॉग में आपने तो देखा ही था कि कैसा मींस नॉर्मल सा मींस स्लिप हो गया गाड़ी। गलती में नहीं था कि मैं राइट साइड में देख के चला रहा था गाड़ी, और वहां पर जो है एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसके ऊपर ब्रेक लग गया मेरा, सामने का ब्रेक। तो इसके कारण क्या होगा भाई, गाड़ी स्लिप हो गया, हल्का से स्लिप हो गया। और क्या बताऊँ आपको, अभी पुणे में चेकिंग काफी बढ़ गया है, तो अगर आप जॉब पर हो तो आई कार्ड वगैरह लेकर ही चलिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। इन्वेस्ट किया है तो एक हफ्ता भर तो भी अभी चेक करूंगा इसको, नहीं तो आप लोग से दूसरा ऑप्शन रहेगा तो आप बता दीजिए। बोया का BY M1 माइक है, बट वो नहीं बैठेगा क्योंकि उसका कंडेंसर इतना बड़ा है कि बार बार हेलमेट में नहीं, शर्ट के अंदर उसको मींस रैप करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो हेलमेट में नहीं कर सकता हूँ मैं, इतना बड़ा मैं हेलमेट में नहीं कर सकता हूँ, तो वही प्रॉब्लम है। काफ़ी देर तक लगा था तो मैं बंद कर दिया था, ये फालतू में वीडियो रिकॉर्डिंग यार मेमोरी फुल हो गया बाई चांस, तो क्या कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड लेना है बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा बोले तो भी एक हफ्ता, क्योंकि उस पर रिसर्च चल रहा है 4K वीडियोज ऐड हो गए या ना हो गए उसके लिए मैं रुका हूँ। तो ये पुलिस सेंटर है, चेकिंग सेंटर, यहाँ पर रात में फुल जोर शोर में चेकिंग चलते हैं। ओके चलिए आज लीगल मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना काफ़ी सही है, तो इसके ऊपर आज बात करते हैं लीगल मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो भाई कैसे, हाँ भाई जा रहा हूँ, रुक जा रहा, ते को जब राइट में जाना था तो इतना क्यों लेफ्ट में। चलिए शाम के 7:30 बज गया, अभी चलते हैं। तो सुबह मैंने क्या किया था, एक रिकॉर्डिंग किया था जिसके अंदर मैंने आपके लिए इलीगल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने वाला था,
बट वो बूम ब्लास्ट की वजह से ना रिकॉर्ड नहीं होगा, तो मैं अभी वो क्लियर कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो फॉग लैम्प पे आते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं उसके बारे में। तो देखिए फॉग लैम्प का ऐसा है, अगर उसके रूल्स फॉलो करते हो आप तो वो लीगल है, कि आपके जो हेडलाइट्स है उसका ज़्यादा पावर चाहिए नहीं। बट अगर डिटेल में जानना है तो आप RTO के वेबसाइट्स वगैरह पे डायरेक्टली जान सकते हो, बट मुझे जितना पता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो रूल्स के हिसाब से वो हेडलाइट के नीचे चाहिए सबसे पहले, और उसका पावर आपके मेन हेडलाइट से ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है, और तो फॉग लैम्प को आप प्रॉपरली फिट कीजिए जिधर फिट करना है आपके हिसाब से, मीन्स हेडलाइट के नीचे ही फिट करिए, तो यूजुअली क्रैश गार्ड्स पे ही फिट कीजिए। और फॉग लैम्प जो है इतना ज़्यादा हाई पावर का नहीं चाहिए आपके हेडलाइट के से। और दूसरा लीगल मॉडिफिकेशन, इलीगल मॉडिफिकेशंस बता रहा हूँ मैं आपको अभी, लीगल नहीं। साइलेंसर जो होता है, जो ज़्यादा आवाज़ का लगाते या फिर परफॉर्मेंस चेंज करने के लिए लगाते, तो वो भाई वो भूल जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट इलीगल मॉडिफिकेशन है वो, प्लीज़ ना कीजिए। काफ़ी सारे लोग के बाइक पे सीज करते हो, जगह पे साइलेंसर निकालने लगाते तब तक आप, और फाइन भी काफ़ी बड़ा है उसके ऊपर, तो प्लीज़ वो इलीगल मॉडिफिकेशन ना कीजिए। और उसके बाद उसका कैसा है, जो अपना स्टॉक रहता है वही रखिए। ज़्यादा साइलेंसर्स में चेंजेस करोगे आप, ज़्यादा आवाज़ का करोगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, तो वो ध्यान में रखिए। अब तीसरा जो है मॉडिफिकेशन चेसिस में, जो चेसिस कंपनी से आता है, चेसिस के ऊपर वेल्डिंग भी अलाउड नहीं है, तो मैं इसीलिए कोई प्रोडक्ट वेल्डिंग के साथ बनाता नहीं हूँ। चेसिस के साथ कोई भी वेल्डिंग नहीं होता है मेरा, नट एंड बोल्ट फिटिंग के ऊपर ही होता है। तो चेसिस के ऊपर जो भी मॉडिफिकेशन करोगे उसमें अल्ट्रेशन नहीं चलेगा कि चेसिस का साइज कम करना है या ऐसा, ये सब नहीं चलेगा, तो आप ध्यान में रखिए ये बात। उसके बाद चेसिस को काफ़ी लोग कट करते हैं, यानी कि पीछे के सीट को कट करते हैं, तो वो लीगल नहीं है, तो उतना याद रखिए वो कि आप चेसिस को कट भी नहीं कर सकते हो, तो काफ़ी लोग करते हैं वो, तो गलत है। अगर से पुलिस पकड़ते हैं तो फाइन लग सकता है आपको बड़ा। अब उसके बाद बात करते हैं इलीगल मॉडिफिकेशन है जो है इंजन में चेंजेस, तो इंजन में चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, वो सबसे मीन्स जैसा इंजन, अब इंजन का परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हो, अलग अलग एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब चेंज करके, या पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चेंज करके आप उसका अल्ट्रेशन मीन्स परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हो। बट अगर समझिए आपके गाड़ी का 150 cc का इंजन है, तो आप उसको 200 cc नहीं कर सकते हो, तो RTO उसका अप्रूवल भी नहीं देगा और वो इलीगल मॉडिफिकेशन में आता है। अब उसके बाद एक सबसे बड़ा इलीगल मॉडिफिकेशन बताता हूँ, वो होता है प्रेशर हॉर्न। तो प्रेशर हॉर्न्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मुझे खुद पकड़ा गया था प्रेशर हॉर्न्स के लिए, बट मेरे गाड़ी पे प्रेशर हॉर्न नहीं था तो मुझे छोड़ दिया था। तो प्रेशर हॉर्न एक काफ़ी इलीगल चीज़ है, तो फिर से कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर से। टू व्हीलर का यही फायदा है भाई, ट्रैफिक काफ़ी लंबा था, तो प्रेशर ऑन का कंटिन्यू करता हूँ मैं, पहले इस ट्रैफिक में से निकल जाऊँ। ये सिग्नल क्रॉस हो गया, तो प्रेशर ऑन का कंटिन्यू करते हैं। ऐसा है, पहले ट्रैफिक में से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इतना ट्रैफिक कैसा हो गया यार आज, ऑलरेडी सब बंद है फिर भी यार इतना ट्रैफिक कैसा हो जाता है यार। सो आई वॉज लकी, निकल गया ट्रैफिक में से। बट ये क्या हो रहा है सामने से भाई, भाई अंदर डाल दे भाई तू, आओ गाड़े है तो देखा है आई कने, पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है यार। हाय, अभी किसी को अंदर आने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आने दिया तो पीछे से ट्रैफिक पूरा होते बढ़ते जाएगा। ये देखिए कोई तो भी मन बुद्धि का आदमी आ गया होगा। तो भाई प्रेशर ऑन कंटिन्यू करते हैं। तो प्रेशर ऑन ऐसा, मुझे खुद पकड़ा गया था प्रेशर ऑन के लिए, तो प्रेशर ऑन हॉर्न्स लीगल नहीं है, तो उसका काफ़ी बड़ा आपको फाइन लग सकता है।
तो उस पर ध्यान दीजिए आप। पर यार आज इतना ट्रैफिक कैसा हो गया यार, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। चलो थोड़ी देर से ऊपर से लेते बाद में नीचे ले। ओके ऐसे जाएगा कि नहीं भाई? जाएगा पर एक कांटे का झाड़े भाई, तो आराम से जाना पड़ेगा भाई। नीचे मत लो यार कार वालो, आप नीचे ले लोगे हम फंस जाओगे यार। इनका कार जा नहीं सकता है फिर भी लेके बोलते हैं यार ये लोग। देखिए भाई तो बड़ा ही हार्ड ड्राइवर है भाई। अभी मैं पटाख से निकाल देता हूँ गाड़ी साइड से ही, क्योंकि रोड पे तो जगह दिख ही नहीं रहा है। बट काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ेगा नीचे चलाते हुए गाड़ी, नीचे चलाते वक्त काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ेगा नहीं तो गिर जाऊंगा भाई। और यार गिरना नहीं, अभी दो दिन पहले ही गिर चुका हूँ, एक हफ्ता पहले ही गिर चुका हूँ, बट अभी नहीं। अच्छा तो ये इनकी वजह से हो गया है क्या, ये दो तीन लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम? नहीं अभी किसी को आने नहीं देंगे अंदर। अगर आने दे दिया तो पीछे और ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो ये एक दो लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। प्रेशर ऑन का बात करते हैं, प्रेशर ऑन है इलीगल तो प्लीज़ उसको मत लगाइए, या फिर बड़ा काफ़ी बड़ा फाइन लग सकता है आपको। तो ये तो कुछ मॉडिफिकेशन इलीगल मॉडिफिकेशन गाड़ी के ऊपर। अगले वीडियो में मैं आपको लीगल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करूँगा, लीगल मॉडिफिकेशन क्या अलाउड है क्या नहीं। अभी के लिए वीडियो बंद करता हूँ, बाद में चालू करता हूँ फिर से। वीडियो में से काफ़ी सारा फुटेज डिलीट किया है क्योंकि वो विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम हो ही रहा था। तो मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया यूट्यूब पे फिर से, तब जाके मुझे और एक माइक का सजेशन मिला है, काफ़ी सही सजेशन आया उसका, तो वो मैं रखूँगा कुछ दिनों के। वो काफ़ी चीप माइक है, 250 रुपीज़ का है। अगर से वो होता है सक्सेस तो मैं लिंक करके वीडियो बना के लिंक में उसको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा उसका डेटा। तो वो फिलहाल अगले हफ्ते वेनसडे तक आएगा, उसके लिए रुकूंगा मैं कुछ दिन, रुकना तो पड़ेगा ही भाई। तब तक मोटो ब्लॉगिंग कम अपलोड करूंगा जितना। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि काफ़ी देर लगा दी ये वीडियो शूट करने के लिए, मीन्स काफ़ी लेंदी कर दिया भाई। थोड़ा सस्पेंस तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि गिव अवे MT15 का, पहला गिव अवे MT15 का, और काफ़ी बड़ा गिव अवे था पिछले बार से। तो चलिए आपको पहला गिव अवे का विनर रिवील करते हैं, जो कि मैंने खुद डिसाइड किया है। बाकी मेरा ही प्रोडक्ट्स है तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, किसी का मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्लिपकैम यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको गिव अवे का पहला विनर। ठीक है एक मिनट, वीडियोस किधर है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो गिव अवे था गोल्डन ग्रैब रेल्स का, तो चलिए नीचे 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 ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ तो ये था सबसे पहला गिव अवे का। तो इस पर मैंने जो कमेंट सिलेक्ट किया है वो है वैभव मिस्त्री। तो वैभव मिस्त्री कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द फर्स्ट विनर फॉर द गिव अवे नंबर 1। तो इसमें जो है मैंने
आपको MT15 का ग्रैब रेल, जो कि गोल्डन गैप रेल है, जैसे कि ये वीडियो के नीचे आपका कमेंट है, आपका मुझे कमेंट इसमें एक ही सही अच्छा लगा, सबसे बेस्ट चीज़ जो आपने बताया है कि डोंट कंपेयर विथ इंटरनेशनल और विथ अदर, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा और काफ़ी जेन्यून लगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट्सएप नंबर दिया है मेरा ऑलरेडी वीडियोज़ में, तो जाइए मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए और आपका गिफ्ट ग्रैब कीजिए। तो पहला गिव अवे का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, ऐसे ही मैं डेली व्लॉग के साथ बाकी के भी दो गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूंगा, तो बने रहिए चैनल पर, आगे भी गिव अवेज करूंगा। तो क्या है ना, एक ही वीडियो में पूरा मैं अनाउंस नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी मोटो ब्लॉगिंग के साथ साथ मुझे एक सीरीज के ब्लॉगिंग भी करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ वीडियो में आपके लिए कंटेंट रखना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा मोटो ब्लॉगिंग के साथ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने टॉप बॉक्स और पेनियर्स का स्टेटस बताया था आपको, वैसे ही और हाँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने टॉप बॉक्स और पेनियर्स का आपको स्टेटस बताया था, सेकंड उसमें आपने देखा कि नहीं अभी मुझे पता नहीं, तो और बाकी का स्टॉक्स जो है वो भी दिखाया था। सेकंड मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में मैंने आपको माओनो का माइक और एक्स ब्लेड और हॉर्नेट का अनबॉक्सिंग बताया था, और अनबॉक्स एक्स ब्लेड का फिटिंग भी करके दिखाया था। तो आज मैं आपको MT15 का फर्स्ट विनर बता रहा हूँ, उसके साथ ही साथ बाकी का भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली व्लॉग्स करने का कोशिश करूँगा हो सके तो। तो चैनल पर बने रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप पहले हो तो, पहली बार मेरे चैनल आए पे, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके सारे अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, कुछ चेंजेस सजेशन रहेंगे तो प्लीज़ 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 जल्द से जल्द बताइए, आपके सजेशन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अभी पहुंच चुका हूँ घर के नज़दीक। ये रिक्शा वाला ऐसा क्यों लगा है यार, तो पहुंच गया मैं घर पे, तो बुलेट वाला हॉर्न क्यों मार रहा था, कहाँ जा रहा है यार भाई, इंडिकेटर तो दिखा। चलिए अभी वीडियो बंद करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहिए चैनल पे मोर इंक्लूसिव कंटेंट्स के लिए।